हालांकि प्रेम मंदिर सबका दिखाया हुआ है, बहुतों ने बहुत तो सारी वीडियो डाली हुई है। प्रेम मंदिर जो है जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जो है ना उनका बनाया हुआ है ना, बड़ा सुंदर सा बड़ा अच्छा सा मंदिर बना है। एक्चुअली उसमें जो मेन चीज़ देखो ये हमारी माँ दुर्गा महाराणा प्रताप वगैरह सबकी बहुत सारी फोटोज लगाई हुई है। तो मैं कह रहा था आपसे कि ये जो है प्रेम मंदिर जो है देखिए कि प्रेम मंदिर जो है तो ये जगत कृपा जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा बनाया हुआ है। अच्छा मंदिर है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी अच्छा किया गया है। उसमें मेन जो है लोग कहते हैं कि ज़्यादा सुंदरता उसकी रात में दिखती है, क्योंकि उसमें लाइटिंग जो लगी हुई बड़ी सुंदर सी लाइटिंग लगी हुई है, इसीलिए स्पेशली हम रात में आए हैं, है ना। और एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी अलग सी लगी इस मंदिर में वो ये थी, हाँ हालांकि कृपालु जी महाराज इज द बिगेस्ट ना, आई कैन नॉट से बिगेस्ट बट अ ग्रेट सेज, बट इट डजंट सीम गुड दैट यू प्लेस योर आइडल है ना इन फ्रंट ऑफ और बिसाइड द लॉर्ड कृष्णा, इट डजंट सीम गुड है ना, तो ये नहीं होना चाहिए था। मतलब भगवान कृष्ण के बगल पास में सामने आप अपनी क्या रख देते हो, अपनी मूर्तियाँ रख देते हो, ये अच्छा नहीं लगता, ये गलत है, है ना। आई थिंक सो, ये मेरा मानना है। आप लोग का अलग अलग सबकी अपनी मैंटेलिटी होती है, अपनी अपनी विचारधारा होती है, डिफरेंट पीपल परचेज डिफरेंट काइंड ऑफ नोशंस। ओके सो चलिए, ये यहाँ से ये कट होता है ना, तो ये क्या है पार्किंग गाड़ियाँ जो है बहुत सारी आती हैं, कारों की पार्किंग इधर है और बाइक्स की पार्किंग आगे से निकलते हैं हम लोग, क्योंकि बाइक जो है आगे जा सकती है, यहाँ से कार्स का जाना मना होता है आगे, है ना। चलिए तो अब हम ये देखिए लिखा है ना श्री कृपालु जी महाराज मार्ग क्या आपको, हाँ तो इसका मतलब ये है कि प्रेम मंदिर का रास्ता स्टार्ट हो गया है, अब हम प्रेम मंदिर पहुँचने वाले हैं, ठीक है। तो ये आसपास की चीज़ें जो हम आपको दिखा रहे हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि ये जो पहुंच चुके हमारे प्रेम मंदिर है ना। वैसे भी तो पूरी वृंदावन नगरी ही श्री हमारे श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है, क्योंकि प्रेम के प्रतीक को कृष्ण इज द साइन, देखो कृष्णा इज द साइन ऑफ लव द लॉर्ड कृष्णा। ओके तो ये देखिए आप देख रहे हैं प्रेम मंदिर, बहुत सारी भीड़ होती है यहाँ पर, देख रहे हैं बहुत सारे लोग, देखिए क्या क्या कर रहे हैं आसपास की एक्टिविटी। तो अभी हम पहले बाइक लगाएंगे पार्किंग पर और उसके बाद करेंगे ब्लॉगिंग। ओके चलिए